सवाल यही है जो बार बार एक बीजेपी पर आरोप लगता है। आप पर यह कहा जाता है कि भगवान राम के नाम का इस्तेमाल आप लोग चुनाव में कर रहे हैं, वोट हासिल करना आपका मकसद है, यानी वोटों की फसल काटने के लिए प्रभु श्री राम की वंदना हो रही है क्या? अखिलेश जी देखिए, इसी अयोध्या में न्यूज चैनल वाले किस लिए आते थे? कर्फ्यू लगता था, नहीं तो आतंकवादी पकड़ा जाता था। इसी अयोध्या में सरयू को लाल कर दिया जाता था। इसी अयोध्या में प्रभु श्री राम टेंट में रहते थे और बहुत सारे लोग सनातन को गाली देते थे। यही अयोध्या आज 35,000 करोड़ रुपया अगर कोई खर्चा है तो भारतीय जनता पार्टी, 22 नेताओं पर अगर FIR दर्ज हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के, आदरणीय स्वर्गीय कल्याण सिंह साहब जेल में जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, 36 घंटा उनको जेल में बैठा जाता, 3-3 सरकारें अगर जाती हैं तो भारतीय जनता पार्टी की। मैं तो कहूंगा बहुत सारे लोगों की सरकारें रहे अखिलेश जी, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहूंगा अयोध्या इतनी उपेक्षित क्यों थी? भाई अयोध्या तो सबकी है, भगवान राम सबके हैं, कोई आया क्यों नहीं? क्योंकि एक समय था अखिलेश जी जब चुनना था संकल्प और विकल्प में, तो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प चुना कि हम आप लोगों के समय में अयोध्या, हम सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, और कई लोगों ने विकल्प चुना कि हम पहले गाली देंगे और बाद में जब कभी भव्य राम मंदिर बन जाएगा तो हम भी झूठे कहेंगे कि हमारे मन में भी राम है। मैं तो अखिलेश जी कहता हूं, क्या देश नहीं देखा है? साहब आप लोग क्या झूठा बोल रहे हैं कि हमारे मन में भी राम है? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि राजनीति है तो हम पे बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि अयोध्या में 4 विधानसभाएं हैं और उन 4 विधानसभाओं में 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी की। तो यदि अगर हम लोग जो जैसा बताया जा रहा है अगर ऐसा कर रहे होते तो क्या अयोध्या की जनता समाजवादी पार्टी को उतना ही चुन रही होती जितना भारतीय जनता पार्टी को? तो इस तरीके के जो आप बयान दे रहे हैं, शिवपाल यादव दे रहे हो, स्वामी प्रसाद मौर्य दे रहे हो कि कार सेवकों पर सही गोली चली, तो आपको लग रहा है कि यही हालत अगर है, इसी तरीके के बयान दिए गए तो यही फिर से परिणाम आने वाला है अयोध्या में, फिर से जीतेंगे आप लोग? नहीं बिल्कुल, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में तो जो कहा जा रहा है इतने टाइम से, मैं शुरू से कह रहा हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करनी है, और हम सब इंतजार कर रहे हैं जो यहाँ बैठे हैं और जो टीवी। ये बड़ा खूब है कि आप पार्टी में उनको बनाए रखिए, कार्रवाई करें बीजेपी वाले। देखिए पुलिस किसकी है, प्रशासन किसका है? क्या मैं आता हूँ, हाँ किसको क्या बोलना है? खड़े हो जाइए, खड़े होइए, खड़े खड़े होकर बोलिए क्या कहना। राम विरोधी, जो राम का विरोध करता है उसको आप पार्टी में शामिल करते हैं, उसको प्रश्रय देते हैं, उसको जो है आप पालते पोसते हैं। पहले अपराधी माफियाओं और गुंडों को पालते थे, आज राम विरोधियों को पालते हैं आप। आपका काम रहा है, आपके मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पे गोली चलवाई, आज राम जन्मभूमि पे जो है विवादित बयान उनके जो है भाई देते हैं, उनका लड़का कहता है मैं राम जन्मभूमि कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा, पूरा परिवार राम विरोधी है, पूरी पार्टी राम विरोधी। राम विरोधियों को यहाँ वैसे भी नहीं आना चाहिए, जो राम विरोधी हैं वहाँ अयोध्या में किसी की कोई जगह नहीं है। चलिए चलिए मैं कार्यक्रम के आखिर में एक भजन सुनना चाहूंगा आपसे तोशी जी, कोई मधुर भजन, हाँ गीत कोई भी। 500 वर्ष बाद धरे है चरण प्रभु, 500 वर्ष बाद धरे है चरण प्रभु, सज गए महल चौबरावा, तो हम सभी लोग कैसे उनका स्वागत करते हैं। मोरे रामा अवध घर आए, 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 500 वर्ष पीछे घर को आए। मधुर भजन है, मैं माफी चाहूंगा बीच में रोक रहा हूं, वक्त की थोड़ी पाबंदी होती है इसी में। बहुत बहुत धन्यवाद यहां आने के लिए आपका, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और जनता जनार्दन का भी मैं अभिवादन करना चाहूंगा, आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।